एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर असाटी वार्ड नंबर 1 संस्कार भवन के पास श्री ब्रह्मदेव मंदिर में श्री राम दरबार, श्री हनुमान जी महाराज और श्री राधा कृष्ण भगवान जी की स्थापना की गई। यहाँ पर प्रमुख रूप से विशिष्ट जनों की मौजूदगी के बीच यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में भक्त जनों की मौजूदगी रही। आयोजन के संबंध में पंडित राहुल शास्त्री एवं पंडित नरेंद्र अर्जरिया के द्वारा जानकारी दी गई। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। राम दरबार की
राम लक्ष्मण जानकी सीता जी और हनुमान जी राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की गई। किस तरह का आयोजन हुआ है? ये 3 दिवस का आयोजन किया गया है। प्रथम दिवस में मूर्तियों को नगर का भ्रमण कराया गया है संगीत और भजन मंडलियों के माध्यम से, और राम धुन के साथ प्रथम दिन में भ्रमण कराया। दूसरे दिन में प्राण प्रतिष्ठा पूजन उनका वास भगवान का, पुष्पादिवास गंधादिवास निष्ठान आदिवास और शयन आदिवास कराए गए हैं। अब इसके उपरांत हवन होगा और कल 27 तारीख को भंडारा। कहाँ पर ये मंदिर निर्माण किया गया? ये प्राचीन पाराशर जी ने बताया है कम से कम ये 600-700 वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष था। यहाँ पर चबूतरा बना हुआ था। कुछ शिलालेख भी है, उन्होंने बताया कुछ 1500 के कुछ 1800 की ईस्वी के शिलालेख भी बताए हैं। उसके बाद पुनः निर्माण हुआ असाठी वार्ड एक संस्कार भवन के पास, और ब्रह्मदेव भगवान के नाम से ये सिद्ध क्षेत्र प्रसिद्ध है दमोह में। ब्रह्मदेव समिति के तत्वाधान में श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री राम दरबार और हनुमान बलवंत सरकार की स्थापना हुई। इसमें हमारे ब्रह्मदेव समिति के सभी सदस्यों ने श्रद्धा उत्साह के साथ प्राण प्रतिष्ठा में का ये आयोजन किया गया है। यज्ञाचार हमारे बीच के श्री राहुल शास्त्री जी और पूरे मोहल्ला वार्ड वासियों ने तन मन धन से श्रद्धा पूर्वक सहयोग किया है। कल अभी हवन होगा, प्राण प्रतिष्ठा भी कल भंडारा है। सभी गांववासियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आए, धार्मिक लाभ लें, कल भंडार प्रसाद अब ग्रहण करने अवश्य बता रहे हैं।